इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा सड़क रोलर है। सड़क रोलर क्या होता है, जिससे सड़क को समतल किया जाता है यानी कि प्लेन किया जाता है। और ये मान लीजिए हमारा सड़क है यानी कि रोड है। तो हमसे प्रश्न में कहा गया है कि जो ये रोलर है इसको इस सड़क को पूरा समतल करने के लिए यानी कि यहां से लेकर यहां तक समतल करने के लिए इसे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर में यानी कि ये रोलर अगर एक चक्कर लगाता है इस रोड पर तो यहां तक समतल करता है मान लीजिए, इसी तरह से दो चक्कर में यहां तक समतल करेगा, इसी तरह से 750 चक्कर लगाता है तो इस सड़क को पूरा समतल करता है। तो हमें इस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है, जो ये रोलर है इसका सबसे पहले हमें व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास यानी कि डायामीटर यानी कि डी, तो ये हमें 84 सेंटीमीटर दिया है। इसके अलावा जो इसकी लंबाई है, देखिए लंबाई इसकी क्या होगी, इसकी ऊंचाई को ही हम लंबाई कहेंगे, यानी कि ये हमें ऊंचाई इसकी कितना दिया गया है, 1 मीटर, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ यानी कि इसको हम ऊंचाई ही कहेंगे, तो ये हमें 1 मीटर दिया है। तो देखिए अब हम इस सड़क का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये रोलर है, देखिए रोलर हमारा किस आकार का होगा, ये एक बेलन के आकार का होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका हम 750 से गुणा करेंगे। देखिए क्यों करेंगे, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सड़क का क्षेत्रफल, तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका हम गुणा कर देंगे 750 से। तो देखिए रोलर का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों निकालेंगे, सबसे पहले तो ये रोलर हमारा बेलन के आकार का है इसीलिए। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि जो ये रोलर है इसका जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होगा वो दोनों हिस्सों से तो ये समतल नहीं करेगा रोड को, ये अपने इस सिर्फ साइड साइड के हिस्से से ही समतल करेगा, इसीलिए साइड के हिस्से से समतल करेगा। तो इसीलिए हम रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और 750 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि ये रोलर 750 चक्कर लगा के ही इस रोड को समतल करता है। तो देखिए यहां पर अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये रोलर बेलन के आकार का है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा 2πRh गुणा में हमारा ये 750 है। अब देखिए ये 2 का 2 आ गया, गुणा में पाई का मान क्या होता है, ये हमारा 22/7 होता है, गुणा में r, r का मतलब क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या हमें नहीं दिया गया है इस रोलर का, इसके बदले में हमें व्यास दिया गया है, तो व्यास से ही हमारा त्रिज्या निकलेगा। कैसे, व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसीलिए हम इस 84 में 2 से भाग कर देंगे यानी कि आधा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 42 यानी कि ये आ गया 42। अब ध्यान दीजिए ये हमें 84 सेंटीमीटर में दिया गया है लेकिन इसकी लंबाई हमें मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहां से देखिए ये दोनों 2 के पहाड़े से घटेंगे, ये 21 बार में और ये 50 बार में, तो 21/50 आ रहा है इसका त्रिज्या, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 21/50 गुणा में क्या है, h, h का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये जो लंबाई है यही हमारी ऊंचाई है यानी कि h है, तो ये हमारी 1 मीटर है, तो यहां पर ऊंचाई की जगह 1 लिख देंगे, गुणा में ये 750 पहले से ही है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 7 एकम 7, 7 या 21 कट जाएगा, इसके अलावा ये 0 से 0 कटेगा और ये 5 एकम 5 और ये 5 के पहाड़े से 15 बार में कटेगा, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक।
अब देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ 2 गुणा में 22 गुणा में 3 गुणा में ये 15। तो यहाँ से 2 का 22 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा और 3 का 15 से करेंगे तो 45, यानी कि अब हमें 44 और 45 का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, ये 4 × 5 = 20 और 2 = 22, ये 16 × 6, 4 × 16 और 1 = 17, तो ये आ गया 0, 8, ये 9 और ये 1। तो ये आ रहा है हमारा 1980। अब ये हमारा क्योंकि मीटर में था तो इसको हम मीटर में लिख देंगे और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो 1980 मीटर स्क्वायर, यही इस रोड का क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।